शालोम, हमें मसीह की शागिर्दियत में दुनिया से अनोखा बनना है। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। आज का पैगाम मत्ती पांचवें बाब का तसलसल ही है, क्योंकि कल हम मत्ती पांचवें बाब की पहली 20 आयात पर गौर कर रहे थे और वहाँ से अपने लिए पैगाम हासिल कर रहे थे। इसलिए आज हम 21वीं आयत से लेकर आखिर तक अपनी नसीहत व बेहतरी के लिए पैगाम हासिल करेंगे। अजीज़ो, कल मत्ती पांचवें बाब की पहली 20 आयात में पैगाम को हासिल करते हुए हमने गौर किया था कि यीशु का खुदा की रास्तबाजी पर ज़्यादा ज़ोर है और वो यही चाहता है कि हमारी रास्तबाजी खुदा के हजूर पसंदीदा हो जाए, और ये तभी मुमकिन है जब हम यीशु के नक्शे कदम पर चलेंगे। आज के पैगाम का खासा इंसानी ताल्लुकात पर है कि हमें अपने ताल्लुकात में कैसा होने की ज़रूरत है। इन इंसानी ताल्लुकात में खराबी लाने वाला एक बड़ा अंसर गुस्सा है, जिसके बारे में हमें यीशु तालीम देते हैं कि हमें अपने अंदर गुस्से को मार देने की ज़रूरत है और गुस्से के बदले सुलह को प्रवान चढ़ाना है। ये एक नामुमकिन काम है जिसकी तालीम यीशु दे रहे हैं, लेकिन हमें इस नामुमकिन काम को करने का फ़र्ज भी वही दे सकते हैं। फिर अगली आयात में एक और इंसानी ताल्लुक के अंसर यानी ख्वाहिश के बारे में यीशु तालीम देते हैं और कहते हैं कि हमें बुरी ख्वाहिशों का भी गला दबाने की ज़रूरत है। अजीज़ो, याद रखिए, ख्वाहिश इंसान की आंख से जन्म लेती है और यीशु ने इसी के बारे में कहा कि इसको हमें पाक रखना है, जो कि एक नामुमकिन काम है, लेकिन इसके लिए भी उसी का फजल काफ़ी है। फिर यीशु ने हमें इंसानी ताल्लुक में एक बहुत ही अहम अंसर यानी शादी के बारे में बात की, जिसको तोड़ने की एक शरीयत और रवाज मौजूद था और आज भी है, और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इसलिए यीशु ने इसी शरीयत की मुकम्मल समझ देते हुए इस गलत रवाज को और गलत समझ को ख़त्म करने की तालीम दी और शादी को कायम रखने के बारे में कहा, जो दुनिया में एक नामुमकिन बात समझी जाती है, लेकिन इसको भी सर अंजाम देने के लिए यीशु का फ़र्ज काफ़ी है। इससे अगली आयात में हमें अपनी बातचीत में कस्मों से परहेज़ करने की तालीम मिलती है और अपना कलाम हाँ और ना की सूरत में करने का मतलब यही है कि यीशु हमारे किरदार को इतनी बुलंदी पर लेकर जाना चाहता है कि हमारे लफ्ज़ों को कस्मों की ज़रूरत ही ना पड़े। इससे अगली आयात में पड़ोसी से प्यार करने की तालीम और दुश्मनों से मोहब्बत करने का दर्स मिलता है। अजीज़ो, इन अहकाम पर अमल पैरा होना कभी भी आसान नहीं रहा, लेकिन चूंकि यीशु ने हमें अपना पाक रूह हमारे मददगार के तौर पर दिया है, इसलिए हम ये तमाम नामुमकिन कामों को सर अंजाम दे सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम दुनिया में अनोखे ठहरेंगे, क्योंकि ये सब काम दुनिया में उसी तौर से सर अंजाम दिए जा रहे हैं जिन इतवार से यीशु ने हमें मना फरमाया है। लिहाजा आज हमें ये सोचना है कि हम जिंदगी के इन तमाम पहलुओं और ताल्लुकात में किस तरह अमल कर रहे हैं और यीशु की तालीम को किस तरह हम इन तमाम मामूलात और रिश्तों में लागू कर सकते हैं। खुदावंद आपको इस कलाम से बरकत दे और आपका आज का दिन मुबारक और बाबरकत ठहरे। सलामत रहे।